आइए दोस्तों पाइथन पांडा लाइब्रेरी पार्ट 7 देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले हमने अपनी पांडा को इंपोर्ट कराया यहाँ पर, उसके बाद हमने अपनी सीएसवी रीड कराई है, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैंने थोड़ा सा काम एक्सेल की जो हमारी सीएसवी फाइल है उसमें से, देखिए यहाँ से 4, 5 और 6 का डेटा मैंने यहाँ से हटा दिया, यहाँ पर खाली जगह है, ठीक है। और 7 में मैंने यहाँ पर नल लिखा है और 8 को भी मैंने खाली रखा है। और देखिए अब यहाँ पर जो देख रहे हैं आप ग्रोथ में, यहाँ पर मैंने खाली रखा है जो कि 4 में है, और 5th में यहाँ पर नॉट अवेलेबल लिखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पर ये खाली है और यहाँ पर ये नॉट अवेलेबल है। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जब मैं इस सीएसवी को रीड कराऊंगा तो पांडा क्या करेगा, पांडा जहाँ पर इसको खाली वैल्यू मिलेगी वहां पर एनएन दे देगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए एनएन दे रहा है, एनएन दे रहा है, और यहाँ पर देखिए नल ही दिया है, यहाँ पर देखिए एनएन दे रहा है, और देखिए जहाँ पर खाली है वहां पर एनएन दे रहा है, और जहाँ पर कोई टैक्स है तो वो टैक्स को दे रहा है। देखिए नॉट अवेलेबल यहाँ पर दे रहा है और यहाँ पर नल दे रहा है। और एक आपको ये दिखा देता हूं मैं, देखिए दोस्तों ये जो वैल्यू है ऑल दिस स्ट्रिंग, मतलब ये वैल्यू को पांडा लाइब्रेरी कंसीडर करता है एज ए एनएन, ठीक है, आप ये याद रखना। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों, चलिए देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है दोस्तों, यहाँ पर एक पैरामीटर दिया है, मतलब यहाँ पर हमने कोमा लगा के एन ए वैल्यू इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर हमने ये दिया है नॉट अवेलेबल। मतलब इसका क्या है, ये कहना चाह रहा है जहां पर हमें नॉट अवेलेबल, देखिए दोस्तों जहां पर हमें नॉट अवेलेबल मिले वहां पर एन ए वैल्यू आ जाए। यानी कि यहाँ पर देखिए ये जो 5th रो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ नॉट अवेलेबल लिखा है। तो अब ये जब हम इस कोड को यहाँ पर लिख के कोमा लगा के ये कोड यहाँ पर लिखेंगे और रन करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, 5th में एन ए आ जाएगा। देखिए आ गया एन ए, यानी कि नॉट ए नंबर, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए अगर हम स्ट्रिंग में एक से ज्यादा वैल्यू देना चाह रहे हैं तो हमें लिस्ट का यूज करना पड़ेगा दोस्तों। तो हमने यहाँ पर लिस्ट ली कोमा लगाकर एन ए अंडरस्कोर वैल्यू इज इक्वल टू लिस्ट में हमने यहाँ पर दिया दोस्तों, एक तो हमने ये दे दिया जहां नॉट नल मिले वहां पे एन ए आ जाए, और एक ये दे दिया जहां नो वैल्यू आए वहां पे एन ए आ जाए। तो इसने क्या किया दोस्तों, पहले तो ये 5th वाले में गया क्योंकि यहाँ पर हमारी एन नॉट अवेलेबल था, और एक वैल्यू हमने दोस्तों इनमें से रखी थी कोई सी भी, मान लीजिए 8, ठीक है। इसको भी इसने क्या करा, एन ए बना दी। यहाँ पर हमने क्या रखा था, यहाँ पर हमारी दूसरी स्ट्रिंग थी नो वैल्यू के नाम से, तो उसको भी इसने एन एन कर दिया, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर दोस्तों जब हम सी एस वी को रीड करा रहे हैं तो यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि किसी स्पेशल कॉलम के अंदर हम वो वैल्यू कर दें, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एन एन वैल्यू लिखेंगे, एन ए अंडर स्कोर वैल्यू इज इक्वल टू, और उसको डिक्शनरी में पास करेंगे, मतलब उस कॉलम को, जैसे इंडस्ट्री वाला कॉलम है, ये हमारा इंडस्ट्री वाला कॉलम है, इसको हमने पास करा कि इसमें अगर कहीं पर भी नो वैल्यू मिले वो एन ए हो जाए। तो 8 पर हमने नो वैल्यू दिया था तो एन ए हो गया, ठीक है। और इसी के साथ कॉमा लगा के हमने ग्रोथ में भी दे दिया कि नॉट अवेलेबल, अगर ग्रोथ में नॉट अवेलेबल मिलता है तो हमें वहां एन ए आ जाए। तो देखिए 5th वाली रो पे हमारे यहाँ पर भी एन ए आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंगल कॉलम भी कर सकते हैं दोस्तों, सिंगल कॉलम को भी डिक्शनरी में रख के कर सकते हैं, और मल्टी कॉलम को भी रख के आप उसको एन ए वैल्यू भी कंसिडर करा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमारा क्या है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भी वैल्यू एन एन ना शो हो तो हम कीप डिफॉल्ट का यूज करके पैरामीटर का, कीप डिफॉल्ट पैरामीटर अंडर स्कोप एन ए, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे जैसे मैंने लिख रखा है, कीप अंडर स्कोप डिफॉल्ट अंडर स्कोप एन ए इज इक्वल टू फॉल्स। तो इससे क्या होगा, जो वैल्यू हमारी पहले थी वो ही कंसीडर हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं दोस्तों, तो देखिए जहां जाए एन ए था, देखिए यहाँ जो वैल्यू थी वो आ गई, यहाँ नॉट नल था नॉट नल आ गया, यहाँ खाली नल था नल आ गया, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी थी तो वो खाली वैल्यू आ गई, यहाँ पर देखिए नॉट अवेलेबल था तो नॉट अवेलेबल आ गया, इसमें कोई वैल्यू नहीं दी थी तो ये आ गया। तो इसका मतलब कीप डिफॉल्ट एन ए का मतलब होता है कि जो आपकी डाटा में
पहले से है, मतलब खाली जगह है, नल लिखा है या नॉट नल लिखा है या नॉट अवेलेबल लिखा है, तो वो उसी को वैसे ही दिखाएगा। और अगर हमने इसको ट्रू कर दिया तो ये सबको कंसीडर कर देगा, किसमें भला, NaN में। देखिए यहाँ पर हमने ट्रू करा और रिजल्ट हमें क्या आया, NaN में आ गया। लेकिन इसने जो वैल्यू हमने यहाँ पर दिखाई है, देखिए सॉरी यहाँ पर हमने जो वैल्यू दिखाई है, ये सारी सभी वैल्यू को ये कंसीडर करता है। और इससे अलावा अगर कोई और वैल्यू आ गई, जैसे कि यहाँ पर नो वैल्यू और नॉट अवेलेबल, ये हमारे टैक्स में आते हैं दोस्तों। तो नो वैल्यू और नॉट अवेलेबल ये एक तरह से टैक्स में आता है, तो ये इसको कंसीडर नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। इसको ये ऐसे ही दिखाएगा, बाकी सब वैल्यू को जो हमने आपको दिखाई है, जो ये इस चार्ट में आपके शो हो रही है, इनको ये कंसीडर करता है पांडा NaN, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखिए ये लास्ट हमारा पैरामीटर है इस वीडियो का। तो देखिए यहाँ पर हमने पाथ के साथ दिया है दोस्तों कोमा NA_ फिल्टर फॉल्स। फॉल्स हम कब देते हैं दोस्तों, जब हमें पता होता हमारे डेटा में कोई भी नन वैल्यू नहीं है, कोई भी स्पेस वैल्यू नहीं है, मतलब कोई भी वैल्यू हमारी खाली नहीं है। तो ये जब हम ये पैरामीटर देंगे तो दोस्तों इससे हमारी जो प्रोसेसिंग है वो बूस्ट होती है और फास्ट होगी और हमारा रिजल्ट बहुत स्मूथ होगा। तो देखिए दोस्तों जब इसको हम करते हैं, हम इसको लिखेंगे कोमा NA फिल्टर इजिकल टू फॉल्स, ठीक है। जब हमारे डेटा में कोई भी एरर, मतलब NA वैल्यू या नल वैल्यू या खाली स्पेस ना हो, तब यूज करते हैं ताकि ये हमारी परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सके, फास्ट कर सके, ठीक है दोस्तों। चलिए ओके, थैंक यू।